हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक और नया व्लॉग, और आज तो भी क्या मेन चीजें दिखाऊँ ना, अभी क्या रूटीन तो मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं क्या रूटीन दिखाऊंगी, मतलब कुछ और जब तक एक रूटीन लेकिन बिल्कुल शानदार तरीके से चलता है। क्या एग्जैक्टली जैसे ही पानी जाता है ऊपर पापा बोलते हैं कि पानी गया, तब हम उठते हैं। सुनो, हम पानी नहीं भरते। पिछले दो दिन से मैं पानी भर रही हूँ। आप उठती? दो दिन से तो कौन भर रहा है? और फिल्टर में भरा पानी है जी? आज नहीं भरा, तो आज संडे था। तो क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर ना पानी एक आधा घंटे के लिए आता है, 7:30 to 8:15 भी नहीं बोल रहा है ये, 8:10 8:05 तक रहता है और पानी चला जाता है। तो उसमें पीने का पानी भरना होता है फिल्टर वगैरह के लिए, बाकी दिन भर टंकी वंकी ये सब तो भर ही जाता है। तो बट यहाँ पे भी इतना लोड इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पता है घर है ऊपर, हम लोग ऊपर से अगर पानी खत्म हो जाता है तो ऊपर से ले लेते हैं। बट स्टिल फिर भी हम लोग पानी भर के रखते हैं क्योंकि यहीं की आप लोग बहुत बार ऐसा होता है कि वो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि कौन जाए पानी लेने के लिए, वैसा हो जाता है, तो इसलिए पानी भरते हैं यहाँ पर। तो वो आज हमारा नहीं भराया है, बट ऑलरेडी अपने फिल्टर में इतना तो है ना कि आज चल जाएगा। हाँ, तो वैसा आज हम लोग जाने वाले हैं सिटी। तो एक्चुअली सिटी इसलिए जाने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ज्वेलरी, हम लोगों को नहीं तीनों को कुछ ज्वेलरी लेना है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे नेक पीस हो गया या इयररिंग्स वगैरह हो गया, फिर उसके बाद जो ऐसा सामान होता है ना, साड़ी के कवर्स होते हैं, देन शर्ट के कवर्स होते हैं, वो लेना है, ऐसे बेसिक सामान लेना है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती है कंपेरेटिवली। भोपाल का सबसे सस्ता एंड चीपेस्ट मार्केट है सिटी, अगर आपको जगह पता हो तो, होलसेल मार्केट है एक्चुअली। बाकी न्यू मार्केट हो गया, 10 नंबर हो गया, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर से नहीं लेंगे, तो हम लोग सिटी जाएंगे। तो यहाँ पर टीनू के कांटेक्ट में एक आंटी है जो वो इस चीज़ का ही बिजनेस करती हैं, तो वो माल जो माल जहाँ से लेकर के आती है वो वहीं हमको डायरेक्टली लेके जाने वाली हैं, तो हम उनके साथ जाने वाले हैं आज। एंड क्योंकि ज्वेलरी, फेक ज्वेलरी इसलिए ले रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिकॉज गोल्ड कहाँ रेट्स पहुँच गए हैं गोल्ड के भाई, तो गोल्ड आप हर जगह नहीं पहन सकते हो, है ना। ये अपने फ्रेंड्स की शादी में जाएगी और इसके भी अभी काफ़ी, इसका बहुत बड़ा सर्कल है, तो गोल्ड तो ऑब्वियसली नहीं पहनने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की अच्छी सी ज्वेलरी, डेंटी सी या जो लड़कियों के टाइप की होती है वैसी वो लेगी। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ वहाँ पर। एंड और क्या करने वाले हैं और जो भी होने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, सो यस। गाइज अब हम लोग निकलते हैं सिटी, सो या लेट्स गो। हाय गाइज, तो अभी हम लोग पहुंचे हैं गीता आंटी के, जो आंटी नहीं लग रही है बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं सिटी और ये एक दुल्हन की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और इसकी ये है नेहा। नहीं ये ना, अभी नहीं है ये, इसकी सिस्टर की शादी है जनवरी में, तो ये आंटी इज एन एक्सपर्ट इन जो ज्वेलरीज होती है उसमें, और यही हमको, हाँ शी हैज गुड कलेक्शन, तो ये हमको लेके जा रही है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी दोनों टू व्हीलर से, बिकॉज सिटी में एंटर नहीं कर पाते। लेट्स गो, ये इस स्पेसिफिक शॉप से हम लोगों ने दो नेक पीसेस खरीदे हैं, एक जो हमारे साथ आई थी नेहा उसने लिया है और एक टीनू ने लिया है, चोकर, सिंपल सा डेंटी सा चोकर है वो लिया है, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ना वाइट मोती वाला पर्ल वाला वो इसने लिया है। एंड उसके बाद ये जो भी पहन के देख रही है ये भी हम लोग सोच रहे थे लेने का, बट देन इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो दो ही हमने पीसेस लिए हैं। ज्वेलरी में हमने सिर्फ इतना ही लिया है, इस शॉप का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ये कोतवाली रोड में है एंड वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की शॉप्स हैं होलसेलर वाली, और काफ़ी सस्ते दाम में यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी, लाइक ये जो चूड़ा है ये सब भी बहुत इनएक्सपेंसिव था, नहीं तो बाहर मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इतने रिच लुक वाले तो एक्चुअली में हज़ार मतलब बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो ये काफ़ी कम रेट में थे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू आर लिविंग इन भोपाल। एंड अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पर काफ़ी सारा कलेक्शन बहुत सारी चीज़ों का था, लाइक इयररिंग्स हो गए एंड होम डेकोर के लिए जैसे
फेक प्लांट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेना है, इस तरह के भी का भी कलेक्शन था यहाँ पर, तो वही सब हम लोग चेकआउट कर रहे थे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट शॉप में गए थे वहाँ पर हम लोगों को साड़ी के कवर्स चाहिए थे, तो वो हम लोगों ने लिए है, एंड छोटी मोटी जो पोटली होती है लाइक ईयर रिंग्स वगैरह रखने के लिए, मेकअप पाउचेज होते हैं बिकॉज टीनू इज़ ट्रैवलिंग आफ्टर मैरिज, तो उसको चाहिए थे थोड़े पाउचेज वगैरह, तो वो हम लोगों ने लिए हैं। जैसे कि ये पाउच हमने 4 लिए हैं हम लोगों के लिए, बहुत प्यारे लग रहे थे एंड जस्ट 50-50 रुपीज़ के थे ये, बहुत इनएक्सपेंसिव था, सब कुछ बहुत इनएक्सपेंसिव था। इस शॉप से हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी और सब कुछ 2000 के अंदर हमारा बिल बना था, मतलब सोचिए आप, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने लिए थे। 120 रुपीज़ के दर्जन में यहाँ पर साड़ी कवर्स मिल रहे थे, जो कि बाहर इतने सस्ते नहीं मिलते हैं, मतलब 10-10 रुपये के साड़ी कवर्स नहीं मिलते हैं। मैं आपको उसकी क्वालिटी भी दिखाती हूँ कि साड़ी कवर की क्वालिटी क्या थी। ये देखिए इस के कवर थे, तो ये हमको पर पीस 10 रुपए का था, बट आप एक नहीं ले सकते हो, आपको बंडल में ही लेना पड़ता है। ये शर्ट कवर हमको लिए थे। तो हमने काफ़ी सारे जो कार्ड्स होते हैं ना जिसमें पैसे रख के देते हैं वो भी लिए हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये भी परचेस किया था टीनू ने, एज आई टोल्ड यू कि ट्रैवल करना है तो उसको पाउचेस चाहिए थे काफ़ी सारे, तो 2-3 हम लोगों ने ऐसे मेकअप पाउचेस लिए थे। ये तो बहुत ही अच्छा था, इसमें सारा ज्वेलरी भी अंदर आ जाती है, मेकअप भी अंदर आ जाएगा, सब कुछ अंदर आ जाता है। उसके बाद हमने कुछ और शॉप्स भी एक्सप्लोर करे, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी की लेस थी, मतलब इतनी ह्यूज शॉप थी ये, हर तरह की लेस एंड वो जो लटकाने वाले होते हैं ना साड़ियों में, वो सब भी था। जैसे मैंने ये सेट पसंद किया था तो इसमें लटकन थी हर तरह की, ब्लाउज़ के लिए, दुपट्टे के लिए, इवन साड़ी में भी आप साइड में इस तरीके से लगा सकते हैं। एंड 350-360 रुपीज़ के थे ये पूरे पूरे पैकेट्स, बट फिर मैंने लिया नहीं बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मैं यूज़ में नहीं ले पाऊँगी, फालतू में इम्पल्सिव खर्चा कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट डे निकले थे अगेन सुबह से वही सब कामों के लिए, एंड मैं लिटरली व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी, फिर मुझे बीच में याद आया कि ओ शिट व्लॉग कर रही थी मैं, व्लॉग करती हूँ, तो फिर मैंने वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट करा है। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिपिंग है, हम लोग अभी फिर शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड डेस्टिनेशन पे। आज हमारा सुबह से जो दिन है वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है फाइनली आज तो। तो लेट्स सी, अभी सबको ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते ये कर दो कर दो, क्योंकि अभी टाइम इतना ज्यादा नहीं है ना। तीनों गलत तो नहीं आए, लोकेशन तो ये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपन पिछली बार नहीं गए थे इधर। अभी एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, हम काफी दूर वाले एरिया में आ रहे थे, इस एरिया में हम जनरली आते नहीं है। हाँ। तो एमपी नगर का जो एमपी नगर के स्क्वायर पे हुआ, हाँ। चेतक ब्रिज, हाँ, चेतक ब्रिज, चेतक ब्रिज के पास क्या हुआ, मैं अपना नॉर्मल बैठी हुई और मुझे ऐसा लगा कि एक कार हमसे ठुक गई, उसने हमको ठोक दिया, हमने नहीं उसने हमको ठोक दिया। एंड जैसे ही टीनू बोल दिया रुक जरा रुक, और मैं और टीनू हम दोनों इतने हाइपर हो गए, इसने बजाना चालू किया हॉर्न, उसको तब भी समझ में नहीं आया क्योंकि वो फोन पे बात कर रहा था। हम उनके साइड में आकर के गाड़ी खड़ी करी और जो चिल्लाए दोनों ने, ओ गॉड, वो घबरा गया 2 मिनट के लिए। तो अभी मोदी जी आने वाले हैं, एमपी गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया भाई खर्चा करने के लिए, पर अपेरेंटली हम लोग सारी फुटेज ले जाते हैं, कल पेपर में हमारा ही वो आता। दोस्तों, तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यही मस्ती कर रहे थे कि कल कवरेज में फ्रंट पेज में दो ऐसा आता कि दो लड़कियां कुत्ते के समान एक आदमी को मार रही है, वो भी गाड़ी पे चलते हैं लिटरली, मतलब अगर क्योंकि हमारी गलती नहीं, और लोग बोलते हैं कि लड़कियां गाड़ी ढंग से नहीं चलाती, जस्ट इमेजिन, अभी तक हम लोग इतनी शॉपिंग के लिए निकलते हैं ना, तो मैंने हर बार देखा है कि लड़के इतना गलत चलाते हैं, और हम लोग हर उस हरकत के बाद यही सेंटेंस बोलते हैं कि लोग फिर बोलते हैं कि लड़कियां ढंग से गाड़ी नहीं चलाती है। लिटरली पूरा का पूरा जितना भी पैसा लगा एमपी गवर्नमेंट ने, पता चला हम पे निकल जाता, सारी फुटेज हम लगाते हैं एमपी गवर्नमेंट की, जहाँ पे मोदी की फोटो आनी चाहिए वहाँ पे हमारा वायरल होता वीडियो, दो लड़कियाँ कार में चल के टेररिस्ट की तरह मार रही किसी को। और तू तो सही में कपड़ा मुंह में बांधी हुई है, सही में लोगों को लगेगा तो अब हम लोग जा रहे हैं डीबी मॉल, वहाँ से थोड़ा बहुत काम खत्म करके वहाँ खाएंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर हम लोग आगे निकलेंगे। इसको तो मैडम को तो हम किसी एक शॉप पे रुकने के लिए भूख लगने लगती है भाई, आना तो हमारा पहले 2 मिनट ले, बोला मैडम आपको फिट नहीं हो रहा है लहंगा, मैंने एक्सक्यूज मी दिवाली में मैंने इतना भी नहीं खाया, बोलते चकली पकली खा करके मैं इतनी मोटी हो गई हूँ क्या, नहीं पर उसने गलत सिला था। हाँ, एक्चुअली इसका रिसेप्शन जो लहंगा है उसमें थोड़ा सा फिटिंग विटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी में हम लोग उसी में लगे हुए थे, वहीं हमारा टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा।
गए हैं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये मैंने आई लाइनर टेस्टिंग किया था, फिर मैंने एक लिपस्टिक भी लगा करके देखी है जो कि स्वाच टेस्ट आप बोल सकती हो, और ये यहाँ से निकल गई है, लिक्विड लिपस्टिक है तो मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ, बट मैं आईलाइनर अभी ऑर्डर कर रही हूँ। हम लोग नायका गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारा टेस्टिंग वेस्टिंग किया। मुझे एक लाइनर लेना था बिकॉज मेरे सारे लाइनर सूख गए, मैं लाइनर ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, तो एक लाइनर ले लूँगी। और लिपस्टिक में तो मेरे को एक भी पसंद नहीं आई बिकॉज जो भी मैंने लगाई वो सब पैची सी हो रही थी, तो आई डोंट नो अभी मुझे लेना है कि नहीं लेना है, बट हाँ लाइनर मैं नायका से ऑर्डर कर दूँगी बिकॉज भोपाल वाले नायका स्टोर पर वो अवेलेबल नहीं था, फेसेस कनाडा का मैं ले रही हूँ। एंड मेरे को एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर मिली, शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम भोपाल बट वो शायद लंदन से आए हुए थे, एंड उनकी भी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, उनकी 19 को थी और हमारी बस थोड़े टाइम बाद ही है, तो वो भी मुझे मिल गई थी, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड गाइज अगर आप लोगों को मैं दिखती हूँ कहीं पर भी तो आप बिल्कुल मेरे पास आ सकते हो मिलने के लिए, मतलब ऐसे सोचा मत करा करो कि कैसा लगेगा क्या लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके। एंड हम लोगों ने परचेस किया है एप्पल के एयरपॉड्स प्रो, और बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था ये, तो एक टीनू ने उसके वुड बी के लिए लिया है, जो उसका होने वाला है उसको उसके लिए लिया है, टीनू के पास ऑलरेडी है, और एक ही मैंने मेरे लिए लिया है, और एक टीनू ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए लिया, मतलब टीनू ने लिया उसको पूछ लिया था हम लोगों ने, मतलब हमने तीन लिए। तो विक्की को मैंने कॉल करके बोल दिया था, अब मेरी क्योंकि एनिवर्सरी आने वाली है तो मैं विक्की से पूछ रही हूँ, अगर वो इसका मुझे पे कर दे तो मैं कंसिडर करूँगी कि ये विक्की की तरफ से है, ठीक है, और अगर वो मुझे पे नहीं करेगा तो फिर ये सेल्फ गिफ्ट हो गया। तो बताओ, पब्लिक जनता जानना चाहती है कि आपकी तरफ का गिफ्ट है क्या ये? हाँ, ठीक। और ये जनता को फिर बताना भी कि मेरे को क्या मिलने वाला है, बता। ये मुझसे साइकिल मांग रहा है। मैं साइकिल नहीं मांग रहा हूँ, मैं पिछले 4 साल से गिफ्ट मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मिला कोई। किस चीज का? एनिवर्सरी के खुद की होती है। नहीं मैं आप ए हेलो, के खुद का ही होता है। 4 साल से झूठा है कंबर है, 4 साल से क्या गिफ्ट मांग रहा है मुझसे? पढ़ लिया कभी दिया है आज तक? क्या कुछ भी? ये मुझसे मतलब गिफ्ट चाहिए क्या? ये नहीं पता क्या, बट गिफ्ट चाहिए। अरे भाई बताओ तो क्या चाहिए, फिर मैं उसको पूछती। और नॉर्मल डे से मुझे बोलता है कि मुझे साइकिल दिला दो। गाइस वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक दिला चुकी हूं उसको साइकिल। कितना है गिफ्ट का? जितने का ये है ठीक है, वो तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये ऐसे गिफ्ट मांगना है, ये मुझे बता कैश दे दो ताकि मार्केट में लगा सके। नहीं नहीं कुछ, सॉरी नहीं, इसको 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 गिफ्ट चाहिए रहता है कैश, जो कि ये मार्केट में लगा सके अपना वो पैसा, और फिर वो पैसा मेरे को मार्केट में पैसा लगाया हुआ इसको बहुत वर्थ लगता है, बट मेरे को मजा नहीं आता है। तब हम जा रहे हैं खाना खाने के, तो अब मैं जाती हूँ डिनर करने के लिए, आई एम सुपर एक्साइटेड। नहीं अब मैं पूरी वो स्टोरी बताती हूँ कि हम 1 बजे से निकल के रात को कितने बजे आए, 8:30 बजे आए, हमने क्या शॉपिंग करी। तो एक्चुअली उन्हें क्या हो रहा है ना, हम लोग सैटरडे संडे टीनू के, क्योंकि अभी टीनू भी बहुत पैक्ड है, विक्की भी बहुत पैक है, क्योंकि बिकॉज इनके नेक्स्ट वीक से छुट्टियाँ ये लोग ले रहे हैं, ऑब्वियसली शादी है तो नेक्स्ट वीक से इन्हें छुट्टी अप्लाई करके रखी है, तो सारा काम ये लोग अपना रैप अप कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो मिलता सिर्फ वीकेंड ही है जो मेन काम के लिए हम लोग निकलते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो अब हम लोग जैसे सैटरडे निकलते हैं, सुबह निकल जाते हैं हम खाना वाना खा करके टीनू और मैं, वो सारा हम काम निपटाते हैं, फिर आते हैं रात में। ऐसे ही संडे भी हमारा कल भी ऐसे ही गया, हम सुबह निकल गए थे 1 बजे, हम रात में आए 8:30 बजे, तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं रहती है, और फिर उसके बाद ना कभी कभी व्लॉग कर पाते क्योंकि यार अभी मेरा पूरा माइंड होता है शॉपिंग में, तो मैं भूल जाती हूँ बहुत सारे क्लिप्स वगैरह लेना, एंड कुछ जगहों पे अलाउड भी नहीं होता है, तो वो वाला एक इशू है। तो कल हम लोगों ने परचेस किया है, एक तो हमने परफ्यूम परचेस, टीनू इज अ परफ्यूम लवर, शी हैज़ एन अमेजिंग टेस्ट इन परफ्यूम्स एज वेल, बिकॉज वो जब भी निकलती है ना अपने फ्रेंड वगैरह के साथ कहीं डिनर विनर पे या कहीं, और हाँ बाय द वे मैं इतना मेकअप इसलिए करी हुई हूँ बिकॉज आई एम जस्ट टेस्टिंग आउट द प्रोडक्ट्स, मैंने नया फाउंडेशन ट्राई किया है, मेबिलिन का ही है मेरे पास, ये आए थे ऐसे ही PR के लिए प्रोडक्ट्स आए थे, तो मैंने एक अलग शेड ट्राई किया, तो मैं देख रही हूँ कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ज़्यादा वाइट लग रहा है मेरे स्किन पे, और मैंने आईलाइनर बहुत थिक लगाया है सी दिस, तो मैं आईलाइनर लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, लगाती मैं तो बहुत पतला लगाती हूँ, बट मैंने काफ़ी दिनों बाद बहुत थिक लाइनर लगाया है। विक्की कॉल चालू होगी, एक मिनट लगा देंगे। क्या एक्चुअली मैं बात कर रही थी, शॉपिंग की। हाँ तो बोला था जाने से पहले तू एक तो मेरे को शेड्स अच्छे से परचेस करवाना, मतलब अपना सजेशन देना शेड्स के लिए, क्योंकि विक्की इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता और बहुत ही घटिया सजेशन देता है वो, और दूसरा परफ्यूम्स। तो कल हमने शॉपिंग करी परफ्यूम की,
तो वो जो परफ्यूम है जो मुझे पसंद आया था वो मैंने लगा करके आ गई थी। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं एक दिन पूरा ट्राई करूंगी बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है परफ्यूम्स का। एंड लिटरली मैं जब रात में सो भी रही थी ना तो भी मुझे उसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो द परफ्यूम्स वॉज बाय अजमल, हमने जो देखे थे परफ्यूम कलेक्शन वो अजमल का देखा था। अजमल इज़ ए UAE ब्रांड ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर DB मॉल में उनका है आउटलेट है, तो हमने वहीं से, उसके बाद हमने कल क्या किया, हमने और कुछ भी नहीं किया। बाकी हमारा जो टीनू का रिसेप्शन लहंगा है वो पूरी तरह से मेस्ड अप कर दिया है जिनसे हम लोगों ने परचेज़ किया है। तो आज हम बुटीक में डाल करके आए हैं, टीनू के सारे ब्लाउजेज आ गए, मेरे ब्लाउजेज अभी तक नहीं आए, वो आएंगे परसों। और क्या हुआ है और क्या आ गया है, बाकी मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी मेरी तो हो गई है। सो आई गॉट दिस बैंगल। बेसिकली ये जो बैंगल है ना ये मेरा नहीं है, ये विक्की की दादी का बैंगल है एंड ये 70 इयर्स ओल्ड बैंगल है। इस तरह का जो बैंगल है ना मैंने तनिष्क में रिवा कलेक्शन जो आया है ना, जो स्पेशली ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल ज्वेलरी जो है वो मशीन मेड ज्वेलरीज है, मैंने उस तरह के पैटर्न में इस तरह का बैंगल देखा था। एंड इमेजिन कि ये जो बैंगल है ना, तो ये एकदम मेरे साइज का है, मतलब जैसे मैंने डाला इट वॉज परफेक्ट साइज। ये टीनू को भी नहीं आता है, उसको बहुत टाइट जाता ही नहीं है हाथ में, ना मेरी मदर इन लॉ को हाथ में जाता है, और मेरे को एकदम प्रॉपर हाथ में आ गया। तो मैंने बड़े शौक से, मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि मैं पहनूंगी, बिकॉज होता है ना अभी आजकल सब लड़कियां थोड़ा मॉडर्न डिजाइन पहनना पसंद आती है, बट वेन आई गॉट टू नो कि ये दादी का है एंड देन इट्स 70 ईयर्स ओल्ड, मैं तो एकदम फ्लॉन्ट करते हुए पहन रही हूँ। मैंने बोला मैं ब्रेसलेट की तरह इसको कैरी कर लूंगी, कोई टेंशन नहीं है। सो आई रियली लव्ड इट। एंड आई गॉट द स्टफ फ्रॉम Amazon एज वेल, जो मैंने बोला था ना मेरा विंटर वेयर आ गया है, आपको पहन के दिखाती हूँ। तो एक जो है वो है ये, मतलब अच्छी तगड़ी विंटर भी होगी ना तो भी इसको मैं पहन सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ। सो दिस इज फ्रॉम ओनली, ये है जैकेट, फिटिंग वगैरह सब कुछ इसका बहुत अमेजिंग है। एंड इसका इवन ये जो इसका जो कैप है ये भी बहुत अच्छा है, इसमें यहाँ पर आप ऐसे करके फिक्स कर सकते हैं एंड लाइक दिस। दिस इज द जैकेट, फिट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका ये भी बहुत अच्छा है, बट आप इसको सिर्फ ऐसे ही लगा सकते हो, यहाँ पर कुछ अटैच करने का नहीं है, जस्ट शो के लिए, ये शो ऑफ करने के लिए ही है। ये प्रॉपर पूरा ऐसे हाई नेक पे बंद होती है लाइक दिस इज द पैटर्न, तो अच्छी है ये भी। सो दिस इज़ द वन, दिस इज द नेक्स्ट। मैं लिंक्स दे दूंगी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर एनी केस आपको लेना हो तो, मतलब रेकमेंड करूंगी, दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है दोनों की। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है वो मंगवाई है ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ बॉडी स्क्रब। सो बेसिकली मैं इनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी हूँ लास्ट ईयर एंड इनका मुझे बॉडी स्क्रब इतना ज़्यादा पसंद आया था, मतलब विंटर्स के लिए दिस इज़ मस्ट हैव। ये एक बार मैंने यूज़ कर भी लिया, थोड़ा सा पानी भी अंदर गिरा दिया है, तो ये बहुत अमेजिंग है। मतलब आपको इसको इससे शावर लेने के बाद इतना अच्छा लगता है कि मतलब आपकी स्किन आपको अमेजिंग रिजल्ट्स, मस्ट ट्राई। और इसको भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ तो ये आई है। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाई।